हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं रूट एंड रूट सिस्टम्स की एंड कैसे उन्हें कैटेगराइज किया गया है। देखिए, रूट का हम सबको मालूम है अल्टीमेट रोल होता है मिनरल एंड वाटर अपटेक फ्रॉम सॉइल, है ना। अ प्लांट टोटली डिपेंडेंट ऑन द रूट, क्योंकि वो ऊपर का जो एरियल पोर्शन है वो कुछ और काम करेगा, अंडरग्राउंड पोर्शन में रूट ही है, वो अपना काम यही करती है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिनेशन, पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन एंड स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी, दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन कैटेगरी। फर्स्ट वन इज द टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। नाउ ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम इज नथिंग एक्चुअल, व्हेन रूट अकेली नहीं होती है रूट में ना, या तो अगर हम टैप रूट की बात करें, मेन रूट से सेकेंडरी, टर्शरी एंड सो ऑन रूट्स निकलते हैं, और जिनमें फाइब्रस रूट होती है तो कई सारे रूट्स मिलके एक कलेक्टिवली एक रूट सिस्टम बनाते हैं, जो अल्टीमेटली वही गोल को अचीव करने में लगे रहते हैं कि हमें पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करना है फ्रॉम सॉइल फॉर द प्लांट बॉडी। सो कंबाइंडली कलेक्टिवली ऑल दीज रूट आर कॉल्ड एज रूट सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा कुछ बहुत अंतर नहीं है कि व्हाट इज रूट एंड व्हाट इज रूट सिस्टम, ओके। सो फर्स्ट वन इज द टैप रूट सिस्टम, सेकंड इज द फाइब्रस रूट सिस्टम, एंड थर्ड वन वी हैव एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। नाउ टैप रूट सिस्टम में वन मेन रूट ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द रेडिकल से। थोड़ा सा वापस से मैं लेके जाना चाहूंगी। देखिए, रूट एक्चुअल में कहां से ओरिजिन होती होगी? एम्ब्रियो होता है प्लांट में भी, है ना, सीड के अंदर एम्ब्रियो बेचारा बहुत छोटा सा रहता है, उसके बॉडी में भी ना दो कुछ लाइक पार्टीशंस होते हैं, मेन मतलब कैटेगराइजेशन होते हैं। रेडिकल होता है डाइकॉट एम्ब्रियो में भी और मोनोकॉट एम्ब्रियो में भी रेडिकल पोर्शन होता है, जो कि अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है व्हेन वी सो दैट लाइक ऑन जर्मिनेशन द सीड, रेडिकल दोनों में ही रूट बनाते हैं। तो ये ट्रू रूट एक बनाते हैं, ठीक है, ट्रू रूट को का निर्माण करते हैं। सो that first root that arises from the radical portion of embryo is called the main root, and in taproot system it is only one main root that originate from radical। fibrous root mein bhi ek main root nikalti hai radical se, but if we talk about the adventitious root system, no, there is no such एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में ना रेडिकल से नहीं कुछ भी निकलता, ठीक है, रेडिकल का कोई रोल नहीं होता है। यहां बात करें, मेन रूट रिमेन्स परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट, मेन रूट रहती है, उससे ही फर्दर ब्रांचेस निकलती है। यहाँ पे फाइब्रस रूट सिस्टम में मेन रूट शॉर्ट लिव्ड रहती है एंड रिप्लेस्ड बाय अदर फाइब्रस रूट, ठीक है। तो याद रखिए कि जो आपका फाइब्रस है उसमें से मेन रूट तो निकलती है, बट थोड़े टाइम के लिए होती है, बाद में और चीजें, बाद में लाइक प्लांट जब डेवलप हो गया है तब और फाइब्रस रूट निकलेंगी, बट दे आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल, ठीक है। रेडिकल से आप, क्योंकि रेडिकल से तो वो एक मेन रूट आई थी जो कि अब खत्म भी हो चुकी है। तो याद रखिएगा, मेन रूट से जो केवल टैप रूट सिस्टम में परसिस्ट करती है, यहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं, बिकॉज एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस का मतलब ये होता है कि दैट समथिंग दैट डेवलप और बॉर्न ड्यू टू सम एक्सीडेंटल थिंग और अंडर द प्रेशर ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, बाहर से कुछ तब्दीलियां हुई तो जिस वजह से निर्माण हुआ, तो इवोल्यूशन का पार्ट है, कुल मिलाकर ना इवोल्यूशन का पार्ट है, बिकॉज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम फॉर्म्स एक्सीडेंटली ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। तो रेडिकल तो यहां पर कोई काम करेगा ही नहीं। लास्ट, अदर रूट सेकेंडरी टर्शरी, जैसे कि मैंने कहा ये सारे के मेन रूट से ही निकलते हैं। यहाँ पे फाइब्रस रूट ने मेन रूट को रिप्लेस कर दिया, शॉर्ट लिव्ड थी, एंड दीज फाइब्रस रूट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये प्लांट की बॉडी होगी एरियल पार्ट, और ये स्टेम है, स्टेम के बेस से ये निकल रही होती है। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की बात करें, वो कहां कहां से निकलती है? कहीं से भी निकल सकती है, ठीक है। जैसे कि प्रॉप रूट जो एरियल ब्रांचेस होती है, फॉर एग्जाम्पल इन बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ हमारा नेशनल ट्री भी होता है, वहां से एरियल इस तरह से हवा में ये रूट्स लटक रही होती है ब्रांचेस से। स्टिल्ट रूट, एज वी कैन सी इन शुगर केन एंड मेज, जो
बेसल नोड्स होते हैं ना, वहां से ही अराइज होती है और प्लांट उसकी बॉडी को ना सपोर्ट देने के लिए वापस से धरती में चली जाती है। नोड से निकली, स्टेम की नोड, बेसल नोड से निकली और वापस धरती में चली गई, तो एक सपोर्ट सिस्टम बनाती है। न्यूमेटाफोर वी कैन सी इन मैंग्रोव्स, इनका काम यह होता है क्योंकि मैंग्रोव जो सॉइल बहुत बहुत ज्यादा मार्शी एंड सॉल्ट रिच होती है, जिस वजह से कि ना ऑक्सीजन प्रॉपरली रूट तक पहुंचता नहीं है, तो इसलिए रूट बाहर आ जाती है। ठीक है, मतलब कि हेल्पिंग रूट्स होती है जो कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये परफॉर्म कर पाए, ऑक्सीजन मिल पाए प्रॉपरली, तो ये न्यूमेटाफोर का काम है। न्यूमेटाफोर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूट्स एंड द रूट सिस्टम इन प्लांट्स। आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ, मिडिल एंड स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।